एक बहुत सुंदर राजकुमारी सी। उसका नाम वीरवती सी। जदों उसकी शादी की उम्र हुई तां वीरवती दा व्याह एक राजे दे नाल कर दिता। वीरवती सत भरावां दी इकली भैण सी। जदों उसका पहला करवा चौथ दा व्रत आया तां ओह अपने माता पिता दे घर आ गई। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैण प्यारी वीरा चंचड़े तपानी पीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। सवेरे सरगी खान तो बाद वीरो ने व्रत रखिया। वीरो बहुत नाजुक सी। वो शाम तक भुखी ना रह सकी ते बेहोश हो गई। उसके भरावां कोलों उसकी ए हालत देखी नहीं गई। उन्हां ने सोचा कि उन्हां भैण दा व्रत खुलवाया जाए। उन्हां ने पहाड़ी दे पिछे अग जला के कहा, भैण चन निकल आया, अर्ग दे के अपना व्रत खोल लो। वीरो ने अपनिया भाबिया नूं कहा, चंद निकल आया है, व्रत खोल लो। भाबिया ने कहा, यह चंद दी रोशनी नहीं है। पर वीरो ने एक नहीं सुनी। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैण प्यारी वीरा चंचड़े तपानी पीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। वीरो ने अर्घ दे के व्रत खोल लिया। थोड़ी देर बाद ही उसके सोहरिया तो खबर आई कि राजा दी मौत हो गई है। ए सुन के वीरो अपने सोहरे घर जान लई तैयार हो गई। रस्ते विच उसनू भगवान शिव जी ते माता पार्वती जी मिले। माता पार्वती ने उसनू दसिया कि उसके पति दी ए हालत इसलिए हुई है कि उसने पहले ही व्रत खोल लिया है। वीरो ने माफी मंगी। माता पार्वती ने कहा, तेरा पति जिंदा हो जाएगा। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैण प्यारी वीरा चंचड़े तपानी पीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। जदों राणी महल विच पहुंची तां उसने राजा नूं बेहोश देख्या। राजा दे शरीर विच सुईयां चुभियां होईयां सी। वीरो राजा दे शरीर विचों हर रोज सुईयां कढ़दी रही। अगले साल करवा चौथ आया। वीरो राणी ने व्रत रख्या। उस वेले राजा दे शरीर विच कुछ सुईयां ही बाकी सन। राणी ने करवे वेचण वाले दी आवाज सुनी। राणी ने दासी नूं राजा दे कोल बिठाया ते आप करवे लैंड चली गई। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैण प्यारी वीरा चंचड़े तपानी पीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। दासी ने जदों आखरी सुई भी राजा दे शरीर विचों कढ दित्ती तां राजा होश विच आ गया। उसने दासी नूं ही राणी समझ लिया। जदों राणी ने ए देख्या तां कहण लगी, जो राणी सी सो गोली होई, गोली सी सो राणी होई। पर वीरो व्रत रखदी रही। एक दिन राजा प्रदेश घूम के आया। उसने गोली नूं उसदा आ शिंगार दा समान दित्ता। राणी नूं पुछया, तैनू की चाहिदा है? राणी ने कहा, मैनू आर दी ना लोड, शिंगार दी ना लोड। राजा ने उस मैनू तो सिर्फ आठ काठ दी गुड्डी चाहिदी है। राजा ने उसनू आठ काठ दी गुड्डी दे दित्ती। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम
चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैन प्यारी वीरा चंचड़े त पानी पीना ले वीरो कुड़िए करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। राणी हर रोज रात नू अपनी गुड़िया दे नाल गल्लां करदी कहंदी राणी सी सो गोली होई गोली सी सो राणी होई। एक दिन दासी ने राजा कोल शिकायत कीती कि राणी रात नू किसे नाल गल्लां करदी है। राजा ने राणी कोलों पुछया। राणी ने कहा राजा मैं किसे नाल गल्लां नहीं करदी मैं तां आप बीती करदी हां। राजा ने कहा तेरे नाल की बीती। राणी ने राजा नू पिछली सारी कहानी सुनाई ते कहा राणी सी सो गोली सी सो राणी होई। राजा ने कहा फिर इस गल दा निपटारा किवें होवे। राजा ने मिट्टी दा ढेर सुटवाया दोनां नू राणी ते गोली नू मिट्टी चुकण लई कहा। गोली ने बहुत जल्दी मिट्टी सुट दित्ती पर राणी कोलों इह कम नहीं होया। राजा समझ गया कि राणी कौन है। माता पार्वती दी कृपा नाल राजा राणी खुशी खुशी रहन लगे। माता पार्वती जी जिस तरह वीरो ते खुश होई उहे सानू सब नू अपना आशीर्वाद ते प्यार दे। माता पार्वती की जय। वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा कट्टी ना अटेरी ना कुम चरखड़ा फेरी ना बाण पैर पाई ना सुई च धागा पाई ना रुठिया मनाई ना सुतड़ा जगाई ना पैन प्यारी वीरा चंचड़े त पानी पीना ले वीरो कुड़िये करवड़ा ले सर्व सुहागन करवड़ा। मेरा नाम आशा राणी शर्मा। इस व्रत का ये महत्व है कि ये स्वागों के लिए होता है और ये स्वागन स्त्रियां करती है इस व्रत को उनकी लंबी आयु के लिए। हमने हमारी एक वीरो कुड़ी होती है तो उसके ना आगे मतलब सारी पूजा का सामान रखती है और फिर दिए जलाते हैं और सारी मेरी कथा सुनते हैं सब। उसके बाद फिर हम सारी संकल्प करती हैं अपनी कथा सुनने के बाद फिर हम ना सारे संकल्प करवाते हैं जितनी भी सुहाग में आती है उसके। इसके बाद व्रत तो ये चंद्रमा देखने के बाद ही व्रत खोला जाता है। चंद्रमा को रख देते हैं उसके बाद व्रत खोलते हैं। बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।